हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं जिनके थ्रू आप बहुत ही जल्दी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और वो सारी ट्रिक्स और वो सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा जिसके थ्रू आपको कम से कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और ज़ेरोधा के कस्टमर सपोर्ट से ही आपको कॉल आ जाएगा एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि वो ही आपका अकाउंट ओपन कर दें और आपके जो मिनिमम एफर्ट्स लगें। तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अपना पहला अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, बिकॉज़ ज़ेरोधा का जो इंटरफेस है वो बहुत ही ईजी है। तो नए लोगों के लिए, जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी इस मार्केट में कदम रखा है, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ज़ेरोधा में ही अकाउंट ओपन करवाएं, बिकॉज़ कि जो भी नया बंदा होगा, जो भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा, ये उसको वो फैसिलिटीज़, वो फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि वो बहुत, उसके लिए ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र एक स्टार्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैंने गूगल का पेज ओपन किया। या तो आप यहाँ पर ज़ेरोधा लिख दीजिए या फिर आप यहाँ डायरेक्टली zerodha.com भी ओपन कर सकते हैं। अब मैंने लिंक के थ्रू तो ओपन नहीं किया, मैंने गूगल के थ्रू ओपन किया। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ से कंपनी के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं कि को फाउंडर कौन है या बाकी जो पूरी टीम है वो, उसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर काइट दिया होगा, कंसोल दिया होगा, कॉइन्स दिया होगा, API इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन, या कितने प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या क्या फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। तो कंसोल भी है यहाँ पर जो आपको पूरा बैकएंड का डाटा आपको दिखाता है आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड। काइट है जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू कैन ट्रेडिंग, राइट। प्राइसिंग दिया हुआ है वही 20 रुपीज़, डिलीवरी के अंदर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, राइट। म्यूचुअल फंड्स में भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको 20 रुपये वन साइड जो है आपको लगेगा, यानी कि बाय में 20 रुपये, सेल में 20 रुपये, यानी कि सिंगल ट्रेड में या प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको 40 रुपये आपको देना पड़ेगा। चलिए सपोर्ट में देखते हैं। सपोर्ट में तो ईमेल या क्वेश्चंस क्वेरीज के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, आप सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ऊपर इन्होंने दिया हुआ है सर्च बार जिसमें आप अपनी क्वेरी सर्च कर सकते हैं। चलिए साइन इन करके देखते हैं। तो मैं एक डमी नंबर जो है अपना डाल देता हूँ इसके अंदर। अब कंटिन्यू पे क्लिक करके देखते हैं, तो ये OTP जो है बोल रहा है 6 डिजिट का। चलिए देखते हैं कोई OTP जो है आता है क्या फ़ोन पे। तो अभी तक तो कोई OTP जो है मेरे फ़ोन पे नहीं आया है। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। अभी भी कोई OTP नहीं आया है, अब आया है 1। चलिए मैं OTP डालता हूँ, 153 497। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है, तो मेरा तो अकाउंट ओपन हो चुका है ऑलरेडी। तो ये मुझे पूरा दिखा देगा कि कब कब मैंने कोरियर किया इनको, कब मैंने एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट डाली इस अकाउंट से रिलेटेड। तो ये जो है मुझे सारा का सारा जो है मुझे दिखा देगा। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली आपके साथ क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के ऑथेंटिकेट करेंगे, राइट, ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आपसे जो है ईमेल कंफर्मेशन के लिए बोला जाएगा। आप अपनी ईमेल डाल दीजिएगा, ईमेल डालने के बाद आप जो है आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी और वो वैलिडेट हो जाएगी। ईमेल वैलिडेट होने के बाद ये आपको वापस जो है लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके अंदर आपका OTP आ जाएगा। OTP से लॉगिन करने के बाद जो है ये आपको दिखाएगा कि आपने जो है मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, ईमेल वेरीफाइड है। अब आपको ये बोलेगा कि अकाउंट जो आपको ओपन करना है, किस तरीके का अकाउंट आपको ओपन करना है, आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, कमोडिटी या इक्विटी, ये आपको बोलेगा। तो आपको जितने भी वहाँ पर ऑप्शंस हो, कमोडिटी और इक्विटी दोनों आपको जो है टिक लगा देना है। मगर फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि अगर आप इक्विटी के लिए जो है अगर आप ओपन करवा रहे हैं अकाउंट, तो उसमें आपका 200 रुपये चार्ज लगता है और कमोडिटी के लिए 300 रुपीज़ जो चार्ज लगता है। अच्छा, कमोडिटी के अंदर जो है फ्रेंड्स आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, जिसमें आपका जो है पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, राइट, और आपका सिंपल एक कैंसिल चेक, ये और कैंसिल चेक के ऊपर आपका
जो है बैंक अकाउंट डिटेल और आईएफएससी कोड और आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो वो भी चल जाएगा। मगर फ्रेंड्स, जब आप कमोडिटी का अकाउंट भी अगर आप ओपन कराना चाहते हैं, जिसमें आप एमसीएक्स के अंदर क्रूड ऑयल, एलुमिनियम, निकल और नेचुरल गैस, इन सब में भी अगर आप डील करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल सेक्शन एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, जो आपको देने ही पड़ेंगे, जैसे कि आपके इनकम प्रूफ, अब इनकम प्रूफ में आपको नॉर्मली अगर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड तो आपको देना ही है, इनकम प्रूफ में अब आपको जो है अपनी 6 महीने की या तो बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, या फिर आपको जो है सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की, तो या आपके पास कोई और फॉर्म 16 टाइप ऑफ जो है इनकम प्रूफ है तो आप वो भी दे सकते हैं। ये आपका हेल्प करेगा इनकम प्रूफ, एज अ इनकम प्रूफ में, और आपका अकाउंट ओपन में जो है, तभी अकाउंट ओपन होगा बेसिकली आपका। अगर आप इनकम प्रूफ नहीं देते हैं तो आपके पास जो है ईमेल आ जाएगी कि भाई आपके कमोडिटी सेक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आपका इनकम प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आप जो है ये करेंगे, ये करने के बाद आप जब आप उन दोनों को टिक कर देंगे तो सिंपली वो वहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो पेमेंट आप अपना यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही आपके पास जो है ईमेल आ जाएगा, ईमेल आपके पास आ जाएगा, ईमेल के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि आपने जो है कमोडिटी और जो है इक्विटी सेक्शन का अकाउंट ओपन करवाया है। अब ईमेल के ऊपर आपका जो है, जहाँ पर आप देखिए, ये मैंने जो लॉगिन किया है, मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, यही चीज़ आपको जो है ईमेल पे दिखाएगा। वहाँ पर आपका जो डीमेट का POA होगा और जो कमोडिटी का भी जो ECN होगा, ये दो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, जो कि आपको कम्प्लीटली साइन करके आपको जो है इस एड्रेस पे, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए कि आप जब लॉगिन करेंगे, या तो आप अपने पैनल में लॉगिन करके आप डीमेट का POA एग्रीमेंट और कमोडिटी का ECN एग्रीमेंट, ये आप जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपके कस्टमर साइन के जो कॉलम बने होंगे, नीचे बॉक्सेस बने होंगे, आप जहाँ जहाँ पर भी आपका कस्टमर साइन के लिए लिखा होगा, क्लियरली उस बॉक्स में लिखा होता है, आप वहाँ पर साइन करके दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको कोरियर करना है ना, अटैच विद योर जो इनकम प्रूफ और जो आपकी पर्सनल जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड हैं, वो भी आपको अटैच करने पड़ेंगे। इससे पहले कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है कि मैं सही साइन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप साइन करेंगे और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही आपके पास एक कॉल ज़रूर आएगा ज़रूरता की तरफ से। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली सोचते हैं कि ये कॉल जो है कस्टमर केयर सेंटर से आया है, तो नॉर्मली बात करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो नंबर जो आपके पास कॉल, जिसका भी आपके पास कॉल आता है, वो आपका बेसिकली अकाउंट मैनेजर होता है, वही आपका अकाउंट जो है मैनेज करता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस बंदे का नंबर सेव करना, जिसके थ्रू, जिसका भी आपके पास कॉल आए, आप उसका नाम पूछ के ज़रोधा मैनेजर करके आप अपना उसका नंबर सेव कर सकते हैं, और वो बंदा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप डीमेट का और कमोडिटी का दोनों का फॉर्म आप जब भी आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जब भी आप साइन की कर लीजिए, उसकी एक फ़ोटोग्राफ आप कैप्चर करके आप उस बंदे को जो है ना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या मैंने सही साइन किया है या कहीं और साइन करना है, या जो भी आपको कंफर्म करना है फॉर्म से रिलेटेड, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। ताकि, क्योंकि आपको ये कोरियर करना पड़ेगा, तो क्योंकि आपके पास कोई चांस नहीं होगा, अगर एक बार आपने कोरियर किया तो कोरियर करने के बाद कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर ये वहाँ पर पहुँचता है पहुँचने के बाद फिर ये चीज़ प्रोसेस में जाती है, 1-2 दिन बाद ही आपके पास वापस रिवर्ट बैक आ पाता है कि आपका अकाउंट ओपन हो, मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका अकाउंट हो जाएगा। तो अगर एक बार कुछ रिजेक्शन हुआ तो आपको वापस जो है 10 से 12 दिन का डिले हो जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि आप सब कुछ जो है ओवर द व्हाट्सएप, एक बार कोरियर करने से पहले एक बार जो है अपने अकाउंट मैनेजर को सेंड कर दें, ताकि वो आपको वेरीफाई कर दे कि एवरीथिंग इज़ ओके तो आप ये कर सकते हैं। एड्रेस मैंने हाईलाइट कर दिया है आपको, ये आप जो है इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। आप नॉर्मल कोरियर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, अगर हमने जो है फास्ट भी हमने किया भी है नॉर्मल की जगह तो भी मतलब वो उतना ही टाइम ले लेता है तो इससे अच्छा ये है कि आप नॉर्मल वाला ही करें,
उसमें आपके 30-40 रुपये कम भी लगेंगे, और 3 से 4 या 5 दिन में नॉर्मली ये आपके उसके वहाँ पहुँच जाएगा। 2-3 दिन वो वेरिफिकेशन में लेते हैं और आपके पास उसके बाद एक मेल या मैसेज भी आ जाता है। उस मेल और मैसेज में एक बार अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद जो है आपकी यूज़र आईडी भी आपकी मेंशन होती है, और आप अपना पासवर्ड जो है पहले आप अपना लोकल पासवर्ड जो भी आपको मिलता है उससे आप टेम्प्रेरी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद अपना नया पासवर्ड आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं और 6 डिजिट की जो है पिन भी आप क्रिएट कर सकते हैं और आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी जो है कन्फ्यूज़न अगर होती है तो आप मेरी वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि उसमें आपको क्या करना है। और अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू अपने अकाउंट्स मैनेजर से भी अगर पूछना चाहें तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स मैनेजर आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता है किसी भी चांस से तो आप डायरेक्टली इनके कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं और वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, राइट। तो होप आप मेरी जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है आप उससे सेटिस्फाइड हुए होंगे, राइट, आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।